नगरी आगरा में चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। रविवार की शाम अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर आगरा पुलिस एक बार फिर खुली चुनौती दी है। यह वारदात थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के हनुमान नगर की है। बिजली घर का भोजनालय चलाने वाले पीड़ित भगवान दास ने बताया कि पूरा परिवार ताज महोत्सव देखने गया था और जब परिवार वापस घर लौटा तो देखा कि चोरों ने पूरा घर साफ कर दिया था। पीड़ित भगवान दास के मुताबिक चोर 30 तोला सोना, लैपटॉप और नकदी लेकर फरार हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही थाना जगदीशपुरा पुलिस और सीओ लोहा मंडी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मौके की जांच पड़ताल कर पूर्ण कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर चोरी का मुकदमा दर्ज किया और पीड़ित परिवार को घटना के जल्द खुलासे का आश्वासन दिया। हम लोग करीब 4:30-5:30 बजे करीब गए थे ताज महोत्सव घूमने, तो लौट के आए 9:15 बजे करीब। तो ये बीच वाला गेट खुला हुआ था, घबराहट हुई, अंदर जाके देखा कोई और तो नहीं है। पड़ोस वाले भैया को बुलाया तो अंदर जाके देखा सारा सामान बिखरा हुआ था। छोटा सा जंगला है, लॉक गेट जंगले से कोई पतला सा आदमी घुसा है, मोस्ट प्रोबेबली एक या दो। अंदर सारे लॉक टूटे हुए हैं, स्टोर में लॉक लगा हुआ था, फर्स्ट लॉक वो टूटा, अलमारी में लॉक था, अलमारी के लॉक टूटे हैं, अलमारी के भी अंदर सेफ था, सारे लॉक टूटे हैं। कोई ट्रेन बंदा था, उसने उठा के सारी मेन चीज़ें ज्वेलरी कैश वगैरह फोकस किया है। बिल्कुल आइडिया नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया। कैश का आइडिया एक्चुअली मम्मी को होगा, बट 2.5-3 लाख का तो होगा। ज्वेलरी का मुझे आइडिया नहीं, कम से कम 300-400 ग्राम तो होगी। ये थाना जगदीशपुरा में बोदला के पास हनुमान नगर पड़ता है, यहाँ चोरी हुई है। घर के सभी सदस्य बाहर गए हुए थे। ये तकरीबन 5 बजे से लेकर 9 बजे के बीच की घटना है। तहरीर लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, तहरीर प्राप्त होने के बाद ही बताया जा सकता है कितनी चोरी है।